फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमी। आप सबके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत से हैंडमेड दुपट्टा डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को करने में आपको थोड़ी बहुत टाइम की तो ज़रूरत है, क्योंकि अब इसमें बहुत हैवी वर्क भी है। ऑल ओवर आप देख सकते हैं इसमें पूरा वर्क है और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप भी अपने कोई सिंपल दुपट्टा के ऊपर अब ये कर सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ व्हाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने प्लेट पे थोड़ी सी ले लिया है। आप देख रहे हैं ये दुपट्टा के ऊपर मैंने पेंसिल से आउटलाइन कर लिया है। ये मैंने व्हाइट पेंसिल यूज़ किया है और ब्रश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रश। इस डिज़ाइन को करने के लिए आपको राउंड ब्रश ही चाहिए। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी किया है स्पाइरल बेल डिज़ाइन। ये ऑल ओवर हमारे दुपट्टे में ऐसे डिजाइन होगा। एक के साथ एक ऐसे अटैच होगा। कलर थोड़ी ड्राई हो जाने से आप थोड़ी सी पानी भी यूज कर सकते हैं। ब्रश थोड़ी सी ड्राई हो जाने से अब अपने पसंद के कलर भी यूज कर सकते हैं, दुपट्टे के कलर के अकॉर्डिंग। ये कलर मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और मैं यहाँ एक्चुअली कॉटन की फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप कोई रेयन सिल्क या फिर कोई भी सिल्क का फैब्रिक यूज़ करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको ये नॉर्मल एक्रेलिक कलर यूज़ ना करें। इसके लिए आप पार्ल मेटेलिक कलर जो है वो भी मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, आप उस कलर का यूज़ करें। एक के साथ एक ऐसे अटैच होते जाएगी, पर इसमें आपको थोड़ी सी टाइम लगेगी क्योंकि ऑल ओवर दुपट्टे में ऐसे डिजाइन है। इसलिए मैं यहाँ पेंट कर रही हूँ। इसके नीचे एक कार्डबोर्ड रख दिया है क्योंकि ये कलर नहीं तो पीछे लग जाएगी। इसलिए अगर आपकी ऐसी कपड़ा थोड़ी सी थिक है तो कभी कभी पीछे लग जा सकती या नहीं भी जा सकती, पर अगर आप ये जो कपड़ा यूज़ करते हैं ये थोड़ी पतली है तो पीछे लग सकती है कलर करने के टाइम। ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ये सबको ऐसे होता है पेंट करने के टाइम। क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं ये कलर करने के टाइम पीछे लगते हैं, वैसे मेरा भी सेम ऐसे ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आफ्टर वॉश ये कलर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप में से ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत बार आप लोग पूछते हैं, क्योंकि ये पूछने की भी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि आप इतने मेहनत से आप करेंगे, उसके बाद एक बार वॉश से अगर ये कलर उठ जाए तो कलर करने की कोई फ़ायदा नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कलर कर सकते हैं। ये सारी ड्रेस के ऊपर मैं अपनी खुद की ड्रेस के ऊपर करती हूँ, तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरी तो आउटलाइन इतने तक था, अब मैं ऐसे ही पेंट करूँगी विदाउट आउटलाइन। अब ऑल ओवर दुपट्टे के ऊपर पूरा पहले आउटलाइन करके कर सकते हैं, वो बहुत इजी होगा। आफ्टर पेंटिंग कपड़े को आप कभी भी 24 आवर्स के लिए ऐसे कपड़े को छोड़ दीजिए। एकदम कलर करने के बाद 24 आवर्स कुछ मत कीजिए, ऐसे रख दीजिए कपड़े को। उसके बाद नेक्स्ट दिन आपको क्या करना है, इसके बैक साइड पे आपको प्रेस करना है। हाँ, इसके बैक साइड के पे, इसके कलर के ऊपर आपको पेंट नहीं करना है कभी भी। और कभी भी आपको मशीन वॉश मत करें इस ड्रेस को, कपड़े को कभी भी। और 24 आवर्स के बाद प्रेस करने के बाद आप 72 आवर्स के बाद कभी भी इसको वॉश कर सकते हैं, कभी भी। और कलर को अगर आपको और भी लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो आप कलर में थोड़ी सी फेविकॉल मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं।
मैं ऐसा कभी कभी करती हूँ फेविकॉल मिक्स करके भी, उसमें कलर की और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। আর যদি তোমরা বাঙালি হও তাহলে আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, আর কি কি জানতে চাও আমাকে বাংলাতেই বলতে পারো, কোনো ব্যাপার না। আর মেরি ব্লগ কি চ্যানেলে জো কি একদম নেই হ্যাঁ আপ মে আপকো রিকোয়েস্ট করুঙ্গি আপ উসে একবার জরুর দেখিয়ে, উসকি লিংক ডিসক্রিপশন পে হ্যাঁ। अगर आपको ये डिज़ाइन थोड़ी ब्रॉड चाहिए, मतलब ये तो मैंने 4 नंबर की राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको थोड़ी सी थिक या ब्रॉड डिज़ाइन चाहिए, ये जो लाइंस मैं कर रही हूँ इसको थोड़ा और ब्रॉड चाहिए, तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा मतलब आप 6 या 8 नंबर की राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको और थोड़ी पतली डिज़ाइन चाहिए, मतलब ये लाइंस, तो आप इससे भी छोटी मतलब 2 नंबर राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलर्स तो मार्केट में बहुत सारे आपको मिल जाएगी, बहुत सारे शेड से। ये मैंने यहाँ फेविक्रिल की एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही हमें ऑल ओवर तो ऐसे ही पेंट करना है। पेंट करने के टाइम कोई जगह ऐसे खाली लग रही उधर भी एक कर दीजिए ऐसे, ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है जहाँ मैं कर रही हूँ ऐसे ही सेम आपको करना है, ऐसे पॉसिबल भी नहीं होता है। ये हम अब जो खाली है ये इसको मैं पूरा कर लूँगी, ये तो हो गई, मैं पूरा कर लिया है। अब इसके ऊपर छोटे छोटे हमें फ्लावर की पेंटिंग करना है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश, और कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन येलो और रेड एक्रेलिक कलर। ऐसे ब्रश के एक साइड पे येलो और दूसरे साइड पे रेड कलर लेके हमें फ्लावर की पेंटिंग करना है ऐसे। अगर आप ये फ्लावर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, अब सिर्फ वाइट कलर से मैंने जितना किया है उतना तक भी कर सकते हैं, बट ये करने से ये पेंटिंग और भी खूबसूरत लगेगी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वाइट ही था, अब ये फ्लावर इसको और भी खूबसूरत बनाएगी। येलो कलर को आउटर साइड पे लेके हमें फ्लावर को बनानी है, या भी हम अपने पसंद के कलर यूज कर सकते हैं। मेरे मुझे लग रहा है मेरे इसमें ये कलर ज्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। चेंज कर लिया है क्योंकि उसमें थोड़ी छोटी फ्लावर हो रही थी, ये काम मुझे और जल्दी करना है इसीलिए मैं ये ब्रश यूज कर रही हूँ। ये 10 नंबर की फ्लैट ब्रश है और ये साइज में छोटी भी है क्योंकि इसके हाइट ज्यादा नहीं है, तो ये यूज करने में मुझे ज्यादा आसान होती है। इसलिए कलर को हमेशा ऐसे प्लेट में लेके ही कलर कीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही कंटेनर से लेके अगर आप कलर करते तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इसलिए। बट मैं ऐसा करती थी पहले ऐसे बोतल से लेके कलर करती थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है बहुत जल्दी। अब यहाँ छोटे छोटे लीव्स के लिए मैं टर्कोइज ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, ऐसे इसके अंदर छोटे छोटे लीव्स की भी पेंटिंग करना है हमें। इसके लिए मैंने कोई पहले से पॉइंट नहीं की, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आप देख भी सकते हैं कोई पॉइंट नहीं की, जहाँ मुझे ज़्यादा गैप लग रही है मैं वहाँ ये फ्लावर सॉरी लीव्स की पेंटिंग कर रही हूँ। यहाँ ऐसे ही सेम ऑल ओवर इस दुपट्टे के ऊपर होगा, ये भी अगर ना चाहे तो ना कर सकते कोई बात नहीं, ये भी ऑप्शनल है। और इसके साइड पे ऐसे सेम कलर टर्कोइज ब्लू कलर से मैं यहाँ 12 नंबर फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगी, इसके साइड पे ऐसे ब्रॉड होगी
ये लाइंस आप चाहे तो सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं ताकि कलर एक्स्ट्रा बाहर ना आ जाए इसलिए इस साइड पे। अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ऑल ओवर साइड पे ऐसे एक ब्रॉड लाइन होगी। अगर आपको इसके साइड पर आप छोटे छोटे डॉट्स भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी, वो ज़्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल से। ये देख लें, देखिए आपका आफ्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।